हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की इंग्लिश बुक जिसका नाम हॉर्नबिल है उसके हम लोग लेसन थर्ड को स्टडी करेंगे जिसका नाम है डिस्कवरिंग टूट दिस सागा कंटिन्यूज। लेसन का नाम है डिस्कवरिंग टूट दिस सागा कंटिन्यूज, इसको लिखा है A.R. विलियम ने। फ्रेंड्स, इसमें जो है एक राजा टूट अथवा जिसका नाम था तुतनखामून मिस्र के शाही परिवार का किशोर उत्तराधिकारी था। एक राजा जिसका नाम टूट था, 60 में जिसको टूट कहते थे, उसका पूरा नाम था तुतनखामून, मिस्र के शाही परिवार का एक किशोर उत्तराधिकारी था। इस परिवार ने मिस्र पर सदियों तक शासन किया, पर टूट की मृत्यु छोटी आयु में ही हो गई। उसने केवल 9 वर्ष शासन किया। वह अपने वंश का अंतिम व्यक्ति था। उसकी अंत्येष्टि क्रिया ने एक राजवंश का अंत कर दिया, पर उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई यह एक जो है अबूझ पहेली बनी हुई है। बाद में जो है विशेषज्ञों की टीम आती है और वह जो है वहां की खुदाई करती है, वहां राजा टूट के शव को उसमें से निकालती है, जो बहुत ही आभूषण से लादकर उसको उसमें दफन किया गया था, और सीटी स्कैन के तमाम चीजों के माध्यम से जो है वह उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य कि वह राजा टूट के और मृत्यु के रहस्य को जानना चाहती है। तो इन्हीं सब चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। आइए हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। देखिए, लेसन जो है यहां से स्टार्ट है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। कह रहा कि वॉज जस्ट टीनेजर, वह केवल एक टीनेजर था। टीनेजर का मतलब वह एक किशोर था। व्हेन ही डाइड, जब वह मरा था। यह राजा टूट के बारे में कहा जा रहा है। कह रहा कि जब वह मरा था तो केवल एक किशोर था। द लॉस्ट एयर, एयर मिस होता है उत्तराधिकारी। कह रहा है कि वह अंतिम उत्तराधिकारी था आप ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का, दैट हैड रूल्ड, जिसने शासन किया था इजिप्ट, मिस्र पर एंड इट्स एम्पायर, और इसके साम्राज्य पर फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक। He was led to rest. उसे आराम करने के लिए लिटा दिया गया था। लेडिंग मतलब होता है सुसज्जित। लेडिंग मतलब लाद कर, सजा कर, सुसज्जित करके। कह रहा है कि लेडन विथ गोल्ड, कह रहा है कि गोल्ड से लाद कर, सोने से लाद कर, एंड इवेंचुअली फॉरगेटेड। और कह रहा है कि इवेंचुअली मतलब एट लास्ट, मतलब अंत में फॉरगेटेड, उसे भुला दिया गया था। इसमें कह रहा है कि वह एक किशोर था जब वह मरा, उस परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी जिसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर राज किया था। वह सोने से लदा हुआ शांति से लिटा दिया गया था और अंत में भुला दिया गया। उसके बाद है, कह रहा है कि सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, कह रहा है कि 1922 में टॉम मिस होता है कब्र, उसकी कब्र की खोज से ही, मतलब 1922 जब से उसकी कब्र की खोज हुई थी। द मॉडर्न वर्ल्ड, कह रहा कि आधुनिक संसार हैज स्पेकुलेटेड का मतलब होता है, स्पेकुलेटेड मतलब होता है अनुमान लगाना। तो इसमें कह रहा है कि सिंस द डिस्कवरी ऑफ टॉम इन 1922, कह रहा है 1922 में उसकी टॉम माने कब्र, उसी कब्र की खोज के बाद से ही दी मॉडर्न वर्ल्ड या आधुनिक संसार है स्पेकुलेटेड, कह रहा है कि अनुमान लगाता रहा है अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ होगा। लोग केवल अनुमान ही लगाते रहेंगे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बींग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि विथ मर्डर बींग, उसके मर्डर होने की द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सबसे अधिक पॉसिबिलिटी थी, मतलब राजा टूट की हत्या किए जाने की संभावना सबसे अधिक थी। नाउ कह रहा कि अब लिविंग हिज टॉम, अपने कब्र को छोड़ते समय फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन ऑलमोस्ट 80 इयर्स, लगभग 80 वर्षों में, मतलब लगभग 80 वर्षों में अपनी कब्र को छोड़ते समय पहली बार टूट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन। कह रहा कि टूट को जो हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, एक सीटी स्कैन से गुजरना पड़ा। कह रहा कि दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, क्लूज में संकेत या सुराग, कह रहा कि जो नए सुराग देती है,
अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ और उसके मृत्यु के बारे में, एंड प्रोवाइड और उपलब्ध कराती है प्रिसाइज डाटा, प्रिसाइज मतलब सबसे सटीक, और सबसे सटीक आंकड़े उपलब्ध कराती है फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉइस फराओ। इसमें कह रहा है कि एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, और एक सटीक आंकड़े उपलब्ध कराता है किसके लिए, फॉर एन एक्यूरेट, एक सही फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है वैज्ञानिक पुनर्निर्माण ऑफ द वॉइस फराओ, कह रहा है कि उस किशोर फराओ के बारे में जो है, उस किशोर फराओ के वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए यह एक सटीक डाटा उपलब्ध कराता है। एक बार मैं इस लाइन को फिर से बता दूं, देखिए इसमें कह रहा है कि टूट हैज अंडरगॉन ए सिटी स्कैन, टूट को सिटी स्कैन से गुजरना पड़ा, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जो कि नए संकेत या नए सुराग देता है अबाउट इस लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ और मृत्यु के बारे में, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा, और एक प्रिसाइज डेटा मतलब सटीक आंकड़े उपलब्ध कराता है, फॉर एन एक्यूरेट, करे कि एक सही फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए, किसके बारे में, किसके वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए, आप द बॉयस फराहो, करा कि उस किशोर फराहो के लिए, फराहो किसके, फराहो जो है राजा कहा जाता था, राजा कौन था, राजा टूट था। और ऊपर वाली लाइन में जो मैंने ये कहा है, यहां पर देखिए इसमें कह रहा है कि नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 इयर्स, कह रहा है कि अब जो है अपनी कब्र को छोड़ते समय लगभग 80 वर्षों में, अब यहां पर अपनी कब्र को छोड़ते समय 80 वर्षों मतलब उसको मरने के बाद जो है 80 वर्ष के बाद जो है उसकी कब्र को निकाला गया, उसी कब्र को खोदा गया। आगे कह रहा है कि एन एंग्री विंड स्टीट अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एस्किंग दैट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। इसमें कह रहा है कि एन एंग्री विंड, एक गुस्साई हवा या एक क्रोधित हवा, एक क्रोधित हवा ने स्टीट अप झकझोर दिया घोस्टली मतलब भूतों की तरह, एक क्रोधित हवा ने भूतों की तरह झकझोर दिया, किसको झकझोर दिया, कह रहा है कि डस्ट डेविल्स, कह रहा है कि उस धूल से भरे हुए राक्षस को, उस धूल से भरे हुए राक्षस को, धूल से भरे राक्षस किसको, मतलब जब जो है उस राजा टूट की मम्मी को जो है उसके कब्र से खोद के निकाला जा रहा है, तभी एक हवा चलती है उसकी मिट्टी को उड़ाती है, तो वही कह रहा है कि एन एंग्री विंड, एक तेज एक क्रोधित हवा स्टीट अप घोस्टली भूतों की तरह झकझोर देती है किसको, डस्ट डेविल, कह रहा है कि उस धूल के शैतान को, एस जैसे ही जो ही किंग टूट वॉज टेकन, जो ही राजा टूट को जो है टेकन निकाला जाता है फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके आराम करने वाले स्थान से, कहां आराम कर रहा था, कब्र में, इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, एक एंशियंट प्राचीन मिस्र की सिमेट्रिक कब्र, कह रहा है कि जब उसे उसी आराम करने वाले स्थान एक प्राचीन मिस्र की कब्र से निकाला जाता है नोन एज द वैली ऑफ द किंग, जिसे राजा की घाटी के नाम से जानते हैं, तभी एक क्रोधित हवा जो है भूतों की तरह चलती है, भूतों की तरह जो है उस धूल के राक्षस के ऊपर बहती है या उसे झकझोर देती है, या इसको पूरा मिलाकर के इस तरह कह सकते हैं कि एक गुस्साई हवा ने धूल के राक्षस को झकझोर दिया जब राजा तूत को राजाओं की घाटी नामक प्राचीन कब्रिस्तान में उसकी आराम करने की जगह से बाहर निकाला जा रहा था। नेक्स्ट है कह रहा कि डार्क बेलीड क्लाउड, कह रहा कि लाल पेट वाले बादल अर्थात सॉरी कह रहा कि काले पेट वाले बादल अर्थात काले बादल हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, कह रहा कि वह जो है उस पूरे रेगिस्तानी आकाश के ऊपर उड़ते रहते थे ऑल डे पूरे दिन, एंड नाउ वर्ड वेलिंग, और अब वह जो है वेलिंग ढक रहे थे, वेल माने कवर करना, वेलिंग माने वेल में घूंघट होता है तो इससे मतलब कवर करना, और वे ढक रहे थे इसको तारों को इन कैस्केड ग्रे, कह रहे कि भूरे रंग की टोकरी से या भूरे रंग की टोकरी में। यहां पर स्कडेड अक्रॉस का मतलब होता है बेग से चलना, स्कडेड अक्रॉस मतलब बेग से चलना, तो वही कह रहा है कि डार्क बेलेट क्लाउड काले पेट वाले बादल अर्थात काले बादल हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, कह रहे उस रेगिस्तानी आकाश के ऊपर मतलब तेजी से बह रहे थे ऑल डे पूरे दिन, एंड नाउ आर वेलिंग, और अब वह जो थे ढक रहे थे द स्टार तारों को इन कैस्केड ग्रे, कह रहा है कि भूरे रंग की टोकरी में।
नेक्स्ट है, इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। कह रहे कि 5 जनवरी 2005 को इट वॉज 6 PM, 6 बजा हुआ था, 6 बजे थे। दी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, कह रहे कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, कह रहे कि ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इंटू ए सीटी स्कैनर। अब यहां पर ग्लाइडेड है, ग्लाइडेड का मतलब है मूव्ड या वॉज पुस्ट, मूव्ड या वॉज पुस्ट मतलब उसको रखा गया, सरकाया गया, कुछ भी कह सकते हैं। सो ये ग्लाइड का मतलब सरकाना होता है यहां पर, मतलब कि कराए द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, उसके सिर को रखा गया है या सरकाया गया इन टू ए सिटी स्कैनर, एक सिटी स्कैनर के अंदर। ब्रॉट हियर टू, कराए ब्रॉट हियर, उसे यहां पर लाया गया था टू प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच कर, जांच के लिए, प्रोब मतलब जांच करना, कराए उसे यहां पर जांच के लिए लाया गया था। द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। देखिए यहां पर जो प्रोब है, प्रोब मिस होता है जांच करना, ठीक है। अब किसके लिए, किसके जांच के लिए लाई गई थी, द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, कह रहा है कि बहुत लंबे समय से चली आ रही चिकित्सकीय रहस्यों की जांच के लिए। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड, कह रहा है कि इस छोटे लिटिल अंडरस्टूड, छोटे समझे गए यंग रूलर, युवा शासक की, कह रहा है कि छोटे छोटे समझे गए युवा शासक के की, जो उसकी मृत्यु से संबंधित जो उसका चिकित्सीय रहस्य था उसकी जांच के लिए। कह रहे हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो कि 3300 साल पहले मर गया था। देखिए इसमें यह कराया कि 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे, संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी के सर के, सर के बाल उसको सीटी स्कैन के अंदर ले जाया गया, जो 3300 वर्ष पहले मर गया था, और उसके बारे में यह मानता थी कि यह लंबे समय से चली आ रही चिकित्सा, और किसके लिए इसको अंदर ले गया, इस बात की जांच के लिए कि जो लंबे समय से चली आ रही चिकित्सीय रहस्यों की के बारे में जाना जा सके। एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, इसको देखिए। करेक्ट, इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, करेक्ट 5 जनवरी 2005 को 6 बजा था। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, करे कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, ग्लाइडेड हेड, इसके सिर को ले जाया गया फर्स्ट, सबसे पहले इन टू अ सिटी स्कैनर, एक सिटी स्कैनर के अंदर, और यह सिटी स्कैनर जो है ब्रॉट हियर, यहां पर लाया गया था टू प्रोब, जांच के लिए, किसकी जांच के लिए, द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, करे कि बहुत लंबे समय से चिकित्सकीय रहस्यों की जांच के लिए, बहुत लंबे समय से चली रही चिकित्सकीय रहस्यों की जांच के लिए इसको लाया गया था, और किसके चिकित्सकीय रहस्यों की जांच के लिए, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, यंग मीन्स युवा, रूलर मीन्स शासक होता है, कह रहा है कि छोटे समझे गए युवा शासक के बारे में, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, जो कि 3300 साल पहले मर गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऑल आफ्टरनून, कह रहा है कि पूरी दोपहर बाद, मतलब दोपहर के बाद पूरा समय, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, कह रहा है कि पर्यटकों की एक नियमित पंक्ति, या एक सामान्य पंक्ति भी कह सकते हैं, मतलब क्रमशः एक क्रम में लोग जो है आज आ रहे थे वहां पर उसको देखने के लिए, तो वही कह रहा है कि ऑल आफ्टरनून, दोपहर के बाद, पूरा दोपहर के बाद, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, पर्यटकों की एक नियमित पंक्ति, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से, हैड डिसेंडेड, वह उतर रही थी इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैक, उस क्रैम्प्ड सकरे रॉक कट टॉम, करा कि पत्थर को काटकर बनाए गए कब्र में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जो कि 26 फीट जमीन के नीचे था, वहां लोग उतर रहे थे क्या करने के लिए, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, पे रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देने, अर्थात अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए वह जो है उस कब्र में उतर रहे थे। द गेस्ट एट द मुरल्स, मुरल्स मीन्स होता है भित्ति चित्र जो दीवालों पे बनाया गया होता है, तो उसे मुरल्स बोलते हैं। कह रहे कि द गेस्ट, वे ध्यान से देख रहे थे द मुरल्स ऑन द वॉल्स, कह रहे कि दीवालों पर भित्ति चित्र के, किसकी दीवालों पर, कह रहे ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर मतलब कब्र, कह रहे कि वह जो है वे लोग उस कब्र की दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्रों को ध्यान से देख रहे थे,
एंड पियर्ड, पियर्ड मतलब झांकना, एट टूट्स अ गिल्डेड फेस, और कह रहा है कि राजा टूट के गिल्डेड फेस सोने से सजे हुए चेहरे को देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, कह रहे कि उसकी मम्मी का, यहां मम्मी मतलब पुराने समय लोग जब मर जाते थे तो उनको जो है कुछ लेप लगा करके उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था, उसको मम्मी बोलते। बहुत सारी फिल्में भी जो है इस पर बनी हुई हैं। कह रहे कि सम विस्टर्स, कुछ विस्टर्स, सॉरी द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, कह रहे सबसे हैरान करने वाली बात आप इस मम्मी की ये थी कि सेप्ट आउटर कॉफिन लीड, कि इस कह रहे कि इस मम्मी की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी, कह रहे सेप्ट आउटर कॉफिन लीड, कह रहे कि कॉफिन का लीड में होता है ढक्कन, कह रहे कि कॉफिन के ढक्कन का बाहरी जो जो बना हुआ भाग था वह जो इस हैरान करने वाली थी। एक बार मैं इसको फिर से बता दूं, देखिए इसमें कह रहा है कि द गेस्ट, वे ध्यान से देख रहे थे द मुरल्स, भित्ति चित्रों को, ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर बना हुआ था, किसके, ऑफ द बरियल चेंबर, कह रहा है कि राजा टूट के कब्र के दीवारों बना हुआ था उसको ध्यान से देख रहे थे, एंड पियर्ड, और झांक रहे थे टूट्स गिल्डेड फेस, राजा टूट के जो है सोने से सजे हुए चेहरे को, और यह जो उनका सोने से सजा हुआ चेहरा था उसके बारे में कह रहा है कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, कह रहा है कि यह उसकी मम्मी का सबसे हैरान कर देने वाली बात थी या विशेषता थी। सेप्ड आउटर कॉफिन लीड, और यह उसका जो चेहरा था कहां बना हुआ था, कह रहा है कि कॉफिन के ढक्कन के वाय भाग पर यह बना हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा। सम विस्टर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर, विस्पर मीन्स होता है धीमी आवाज में, कह रहा है कि कुछ पर्यटक जो थे रीड फ्रॉम गाइड बुक्स से पढ़ रहे थे इन विस्पर, मतलब धीरे आवाज में वह गाइड बुक से पढ़ रहे थे। अदर, जबकि दूसरे जो थे स्टूड साइलेंटली, शांत खड़े थे, साइलेंटली मीन शांत, परहेज शायद पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग होता है सोचना, शायद वह सोच रहे थे या विचार कर रहे थे टूट्स अनटाइमली डेथ, कह रहा है कि टूट की असमय मृत्यु के बारे में, इन इज लास्ट टीन, कह रहा है कि अपने सॉरी इन इज लेट टीन, अपने किशोरावस्था के अंतिम समय में, अर्थात शायद कुछ लोग शांत कर रहे थे और शायद वो लोग विचार कर रहे थे, किसके क्या विचार कर रहे थे, कह रहा है कि टूट की किशोरावस्था के अंतिम समय में उसकी मृत्यु के बारे में विचार कर रहे थे। यहां लेट टीन का मतलब किशोरावस्था का अंतिम समय, मतलब जब किशोरावस्था समाप्त होने वाली हो, कह रहा है कि और वंडरिंग, या वो आश्चर्य कर रहे थे विथ सीवर, कप कपी के साथ, मतलब वो कांप भी रहे थे, कह रहा है या वे आश्चर्य कर रहे थे कप कपी के साथ, या वो कांपते हुए आश्चर्य कर रहे थे कि इफ द फराओस कर्स, कि क्या फराओ का श्राप, कर्स मीन्स अभिशाप होता है, कि क्या फराओ का अभिशाप डेड आर मिसफार्च्यून, कह रहा है कि डेथ मृत्यु आर मिसफार्च्यून या दुर्भाग्य लेकर आएगा, सॉरी डेथ आर मिसफार्च्यून मृत्यु या दुर्भाग्य जो फॉलिंग अपॉन दोज उन लोगों के ऊपर पड़ेगा हु डिस्टर्ब देम जिन्होंने उसे परेशान किया था। वाज रियली ट्रू, क्या यह वास्तव में सही था। इसमें कह रहा है कि दी मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो मम्मी थी वह बहुत बैड कंडीशन में थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, बिकॉज किसके कारण, कह रहा है कि क्यों, किसके कारण खराब थी, कह रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन दी 1920s, कह रहा है कि 1920 में, कह रहा है कि ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920 में जो कार्टर ने किया था उसके कारण। इसमें कह रहा है कि जो मम्मी की स्थिति वो बहुत खराब दिख रही थी, किसके कारण, कार्टर ने जो 1920 में किया था। सेड जाही हवास ने कहा, अबे जाही हवास कौन थे, देखिए कह रहा है कि जाही हवास थे जो थे, कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, यह एक विभाग का नाम है, ठीक है, इसका हिंदी निकालने की कोशिश मत करिए, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी, जो कह रहा है कि जो कि मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी की क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे, कौन थे, जाही हवास, उन्होंने यह बात कहा कि जो है कार्टर ने जो किया है 1920 में उसके कारण यह मम्मी जो है बहुत खराब अवस्था में। अब आप समझ गए होंगे, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जब वह उस बॉडी के ऊपर झुके, उस लाश के ऊपर झुके या उस मम्मी के ऊपर झुके जो डेड बॉडी थी राजा टूट की, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, कह रहा है कि अपनी लॉन्ग फर्स्ट, अपने प्रथम बार उसको देखें, मतलब प्रथम बार बड़ा लंबे समय तक देखने के लिए जब वो झुके तो उन्होंने ये बात कही, कार्टर
हॉवर्ड कार्टर, कार्टर जिसका नाम हॉवर्ड कार्टर था, कह रहा है दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, कह रहा है कि यह वही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है पुरातत्ववेत्ता, वही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हु इन 1922 जिन्होंने 1922 में डिस्कवर टूट्स टॉम, जिन्होंने 1922 में टूट की टम्ब कब्र को खोदा था, टम्ब मीन्स कब्र, टूट की कब्र को खोदा था आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, करेक्ट फिर इस बात क्या करे आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल मैंने व्यर्थ, सर्च मीन्स खोज, करे कि वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद उन्होंने कहा कि कार्टर, हॉवर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद जो है 1922 में टूट की कब्र को खोजा था। इट कॉन्टेंस करे कि इसकी चीजें जो है या इसकी वस्तुएं या इसकी चीजें दो यद्यपि हैस्टली रैनसैक्ड, कह रहा है कि हैस्टली जल्दबाजी में रैनसैक्ड, रैनसैक्ड मतलब होता है लूट लेना, कह रहा है कि यद्यपि इसके जो कंटेंट थे मतलब उस कवर में जो भी चीज रखी हुई थी, कह रहा है कि हैस्टली रैनसैक्ड, कह रहा है कि वो जल्दबाजी में लूट लिए गए थे इन एंटिक्विटी इतिहास में, कह रहा है इतिहास में वे जल्दबाजी में लूट लिए गए थे, कह रहा है कि वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट, कह रहा है कि वो लेकिन लेकिन सरप्राइजिंगली मतलब लेकिन ये हैरान करने वाली ये बात थी कि वो सारी चीजें कंप्लीट थी, पूरी थी, उनको इतिहास में बहुत समय पहले जल्दबाजी में लूट लिया गया था लेकिन फिर भी जो है इस वक्त सारी चीजें क्या थी पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, कह रहा है कि वह यहां पर रिमेन मतलब रहना, कह रहा है कि दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, यह जो है सबसे सबसे मूल्यवान रॉयल कलेक्शन शाही संग्रह था, कह रहा है यह सबसे मूल्यवान शाही संग्रह रहा है, रिमेन मतलब रहा है या सबसे सबसे मूल्यवान शाही कलेक्शन था ऐसे भी कह सकते हैं, एवर फाउंड जो जिसे कभी पाया गया मतलब उस आकर मतलब जो अब तक पाया गया सबसे शाही मूल्यवान कलेक्शन था, सबसे शाही मूल्यवान संग्रह था, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराओ लेजेंड, और यह जो था फराओ की लेजेंड मतलब दंत कथा, और यह फराओ की दंत कथा का क्या हो गया था एक पार्ट हो गया मतलब एक भाग बन गया था। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, कह रहा है कि स्टनिंग हैरान करने वाली आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, कह रहा है कि सोने की करे प्राचीन प्राचीन कलाएं, हैरान कर देने वाली सोने की प्राचीन शिल्प कलाएं, फिर कह रहा है कि देयर एटर्नल ब्रिलियंस, एटर्नल मीन्स अनंत होता है मतलब उनकी सदैव रहने वाली चमक, मिंट उनकी सदैव वाली चमक का मतलब था कि टू गारंटी रिजरेक्शन, जो उनकी सदैव रहने वाली चमक थी वो क्या थी रिजरेक्शन की गारंटी थी अर्थात पुनर्जीवन की गारंटी थी, मतलब उनको लोगों का मानना था कि नहीं जो है किंग टूट का पुनर्जन्म होगा। करे कि काज सेंसेशन, जो कि एक हलचल का कारण बनी या जिसने हलचल मचा दिया एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, करे खोज के समय, इस बात ने खोज के समय हलचल मचा दिया मतलब सेंसेशन सनसनी फैला दी, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, करे कि और आज भी यह जो है सबसे गेट द मोस्ट अटेंशन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है, बट टूट वॉज ऑल्सो बरिड, लेकिन टूट को भी दफना दिया गया था विथ एवरीडे थिंग्स, रोजमर्रा की चीजों के साथ, ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, करे कि जिन्हें मृत्यु के बाद उनकी आवश्यकता पड़ती, मतलब जो है रोजमर्रा की चीजों के साथ जो है टूट को दफना दिया गया था, लोग पहले जो है जो मम्मी दफन होती थी तो उसके साथ रोजमर्रा की चीजों को भी दफना देते थे कि मरने के बाद इन लोगों को इन चीजों की आवश्यकता होगी, तो वहीं इसमें कह रहा है कि बट टूट वॉज ऑल्सो वरीड, टूट को दफना दिया गया था विथ एवरीडे थिंग, रोजमर्रा की चीजों के साथ, ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनको जरूरत पड़ती, कह रहा है कि जैसे कि बोर्ड गेम्स या जिसको शतरंज बोल सकते हैं, अब ब्रोंज रेजर, कांसे का एक रेजर, लिनेन अंडरगार्मेंट, कह रहा है कि सूती अंडरगार्मेंट, अंतःवस्त्र, यहाँ लिनेन का मतलब जो है उत्तम किस्म के वस्त्र से भी लग सकता है, कह रहा है कि केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, कह रहा है कि भोजन और शराब के डिब्बे, किस्में डिब्बे, कह रहा है कि इन चीजों के साथ जो है राजा टूट को दफना दिया गया था, यह विचार करते हुए कि नहीं ये जो है अपनी मृत्यु के बाद इसका उपयोग करेंगे। ये कह रहा है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओस फ्यूनरी टीजर्स,
यहाँ फ्यूनरी टीजिंग मतलब है कब्र के खजाने, फ्यूनरी टीजिंग मतलब कब्र के खजाने। कह रहा है कि आफ्टर मतलब केयरफुली रिकॉर्डिंग, कह रहा है कि कई, कह रहा है कि सावधानी पूर्वक कई महीनों की जांच के बाद, किसके जांच के बाद, फराओ फ्यूनरी टीजर, कह रहा है कि फराओ की कब्र के खजानों की, कह रहा है कि फराओ के कब्र के खजानों की कई महीनों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग। कार्टर जो है इन्वेस्टिगेशन करने लगा, वह खोजबीन करने लगा हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन, कह रहा है कि उसकी तीन तीन कॉफिन्स का, तीन ताबूतों का। अब यहां पर नेस्टेड वर्ड लगा है, नेस्टेड का मतलब होता है यहां पर जो काफिन एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, मतलब एक काफिन के अंदर दो और काफिन थे, ठीक है। तो वह जो है जो कार्टर था वह तीन तीन जो है ताबूतों का वह इन्वेस्टिगेशन करने लगा, अर्थात वह जांच करने लगा। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलने पर ही फाउंड ए श्राउड, उसने एक कफन पाया, श्राउड मीन्स कफन, उसने कफन पाया एडॉर्न्ड जो कि सजाया गया था विथ गॉर्लैंड ऑफ विलो, करे विलो की माला से। विलो का मतलब होता है हिंदी इसका सरई होता है, विलो का मतलब सरई होता है, करे कि सरई एक पौधा होता है, उसकी माला से सजाया गया था। और किससे सजाया गया था, करे एंड ओलाइव लिप्स, और किससे, ओलाइव जैतून की लिप्स, पत्तियों से सजाया गया था। वाइल्ड सेलरी, सेलरी सेलरी में क्या होता है, अजवाइन होता है, और करे और जंगली अजवाइन से सजाया गया था। लोटस पेटल्स और कमल की पंखुड़ियों से सजाया गया था। एंड कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर से, मक्के की फूलों से सजाया गया था। कह रहा कि द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, कह रहा कि यह कब्र की जो यह फेडेड एविडेंस थी, फेडेड मतलब मुरझाई हुई, एविडेंस मीन सबूत, कह रहा कि कब्र की ये मुरझाए हुए जो सबूत थे इन मार्च और अप्रैल, मार्च या अप्रैल के थे, अर्थात उनको देखकर लगता था जैसे जो सरई की माला थी, जैतून की पत्तियां थी, अजवाइन था, कमल की जो पंखुड़ियां थी, उसको ये देखकर लगता था कि इससे जो है ये राजा टूट को जो है मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। वेन ही फाइनली रिच द ममी, जब अंत में ममी के पास पहुंचा, दो यद्यपि ही रैन इनटू ट्रबल, वह मुश्किल में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया। दी राइचुअल रेजिंस हैज हार्डेंड, इसमें कह रहा है कि दी राइचुअल रेजिंस, उसकी जो पारंपरिक गोंद थी, और यहां पर राइचुअल का मतलब विधि सम्मत भी होता है, अनुष्ठान भी होता है, उसका कहने का मतलब यह है कि मौत के समय जो उसका अनुष्ठान किया गया था, जो भी संस्कार निभाए गए थे, उस समय जब गोद का प्रयोग किया गया था, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हम यहां पर इसके लिए पारंपरिक शब्द का यूज कर रहे हैं। दी रैचुअल रेजेंस, करे कि जो पारंपरिक गोद थी हेड हार्डेंड, वह जो है कड़ी हो गई थी, जो गोद का प्रयोग किया गया था उसकी उसके उसके शव के लिए। करे कि सीमेंटिंग, करे कि जो सीमेंटिंग टट, जो तट को जकड़े हुए थी, टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, करे कि जो सीमेंटिंग टट टू द बॉटम, जो तट को जो है उस सतह से जकड़े हुई थी, किसके सतह से, ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कह रहा है कि उस ठोस सोने की बनी हुई कॉफिन की बॉटम से उसको जकड़े हुई थी, वह पारंपरिक गोद कड़ी हो गई थी, और वह राजा तट को जो है उस ठोस सोने की ताबूत में बनी हुई सतह से जकड़ी हुई थी। फिर कह रहा है नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स, कह रहा है कि लेस्टिमेट मत होता है उचित, फोर्स मतलब बल, करे कि उचित बल की कोई भी मात्रा कुड मूव, उसे हिला नहीं सकती थी, मतलब उसको कहने मतलब है उसको बल लगा करके हिलाया नहीं जा सकता था, किसको, मम्मी को, क्योंकि क्यों नहीं हिलाया जा सकता था, क्योंकि कॉफिन में जो गोद का प्रयोग किया गया था उससे वह एकदम जो जो ताबूत थी उसकी सतह में वह जकड़ चुकी थी। कार्टर रोड लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाना था, मतलब कार्टर ने बाद में लिखा कि मैं क्या कर सकता था, करने का यह मतलब था कि बाद में जो उसने निर्णय लिया उसके बारे में वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो उससे जांच करने के लिए वह जो है उस गोद से बाहर नहीं आ रही थी।
नेक्स्ट कह रहा है कि द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, दिस फार साउथ इन इजिप्ट, साउथ मीन दक्षिण, इजिप्ट मीन्स मिस्र, जो जो सूर्य था कैन बीट डाउन लाइक हैमर, हथौड़े की तरह पीट सकता था दिस इसको, किसको, उस ममी को, फार साउथ इन इजिप्ट, करे कि दू करे कि साउथ इन इजिप्ट मिस्र, करे कि मिस्र में दूर दक्षिण में, करे कि मिस्र के दूर दक्षिण में सूर्य जो है इसे हथौड़े की तरह पीट सकता था। उसका कहने का मतलब यह है कि इतनी गर्मी थी मिस्र के दूर दक्षिण में कि हो सकता था कि वह जो है उसके गोद को पिघला दे। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट, और कार्टर ने इसका प्रयोग करने का प्रयास किया, टू लूजन द रेजिंस, कह रहा है कि उस रेजिंस, उस गोद को लूजन, मतलब उस गोद को ढीला करने में, उस गोद को ढीला करने में कार्टर ने इसका, इस धूप का प्रयोग करने का प्रयास किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेड द मम्मी आउटसाइड, उसने क्या किया कि मम्मी को बाहर रख दिया, कहां बाहर रख दिया, इन ब्लेजिंग सनशाइन, कह रहा है कि तपती धूप में, ब्लेजिंग सनशाइन मतलब तपती धूप, उसने मम्मी को बाहर तपती धूप में रख दिया, दैट हीटेड इट, जिसने इसे गर्म किया, टू 149 डिग्री फारेनहाइट, कह रहा है कि 149 डिग्री फारेनहाइट तक, तब उसने मम्मी को तपती धूप में बाहर रख दिया, और इस धूप ने क्या किया कि उसे जो है 149 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म किया। नथिंग बस्ट, बज मींस होता है मूव्ड, बज मींस मूव, मूव्ड मतलब हिलना डुलना, कह रहा है कि नथिंग बस्ट, कुछ भी नहीं हिला उसमें से, जरा भी वो मम्मी हिली नहीं। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, साइंटिफिक डिटैचमेंट का मतलब अवैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक होता है और अटैचमेंट मीन्स जुड़ाव, और डिटैचमेंट में जो जुड़ाव न रहना, अर्थात मतलब है अवैज्ञानिक तरीके से उसने रिपोर्ट किया, साइंटिफिक डिटैचमेंट अवैज्ञानिक तरीके से, दैट की द कंसोलिडेटेड मेटेरियल, कि जो ठोस मेटेरियल है, हैड टू बी चिसल्ड एवे, उसे निकालना पड़ा, चिसल्ड एवे मीन्स होता है छेनी से छीलकर, छेनी से छीलना, या चिसल्ड एवे मतलब छेनी से छीनना, सॉरी छेनी से छीलना पड़ा, फ्रॉम बीनीथ द लिंब, लिंब ने अंग होता है, अंग के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, कह रहा है कि अंगों के नीचे एंड ट्रंक, और धड़ के नीचे उस गोद को छेनी से छीलना पड़ा। बिफोर इट वॉज पॉसिबल, इससे पहले कि यह संभव हो पाता, टू रेज द किंग्स रिमेंस, राजा के अवशेषों को उठाना, रिमेंस मीन्स अवशेष, इसमें यह कह रहा है कि कार्टर ने इस वैज्ञानिक तरीके से यह रिपोर्ट किया कि ये जो मटेरियल का जो ठोस है, ठोस भाग है उसको जो है, और इस ठोस भाग के अंदर जो अवशेष है राजा के, उसके अवशेषों को उठाने के लिए जो है अंगों के नीचे और धड़ के नीचे उसे छेदी से छीलना पड़ा। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कह रहा है कि वास्तव में कार्टर के पास बहुत कम अवसर था, या बहुत कम विकल्प था, अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत कम अवसर था या बहुत कम विकल्प था। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, कह रहा है कि यदि उसने मम्मी को काटकर फ्री नहीं किया होता, स्वतंत्र न किया होता, या अलग न किया होता, यदि उसने मम्मी को काटकर अलग न किया होता, तो थीप्स, थीप्स नहीं था चोर, तो चोर जो है मोस्ट सर्टेनली, कह रहा है कि निश्चित रूप से वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड, गार्ड को धोखा देकर, सर्कमवेंस माने, सर्कमवेंस का मतलब होता है धोखा देना, छलावा करना, तो कह रहा है कि गार्ड को धोखा दे देते, तो कह रहा है चोर जो है गार्ड को धोखा देते, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और यहां पर रिप्ड अपार्ट का मतलब होता है अलग करना, रिप्ड अपार्ट मीन्स अलग करना, तो कह रहा है कि वह, और रिमूव मीन्स हटाना, तो कह रहा है वह सोने को हटाने के लिए, सोने हटाने मतलब सोने को लेने के लिए वह क्या करते, इसको अलग कर देते। मैं एक बार फिर से बता दूं, कह रहा है कि इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कह रहा है कार्टर के पास जो है बहुत कम विकल्प था। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वह मम्मी को काट कर अलग न किया होता, थीप्स, तो चोर जो थे मोस्ट सर्टेनली, करें निश्चित रूप से वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड, गार्ड को धोखा दे देते, एंड रिप्ड इट अपार्ट, और इसे अलग कर देते, टू रिमूव द गोल्ड, गोल्ड को हटाने के लिए या गोल्ड को लेने के लिए वैसे अलग कर देते। करें कि इन टेट्स टाइम, करें कि टेट के समय द रॉयल्स वेर फैबुलसली वेल्थ, करें कि जो
जो शाही परिवार था वो वर फेबलसली वेल्थ करे, वो फेबलसली अत्यधिक वेल्दी धनी थे, धनी होते थे। जो शाही परिवार होता था वह अत्यधिक धनी होता था। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे और होपती आशा करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वह अपने रिचे मैंने संपत्ति, कि वह अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं, वे ऐसा सोचा करते थे। फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, कह रहा कि ले जा सकते कहां, फॉर ए जर्नी अपनी यात्रा के लिए, टू द ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड मतलब आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद, ग्रेट बियॉन्ड मतलब आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद, मतलब वे सोचा करते थे कि वह जो है मृत्यु के बाद अपने धन को अपनी यात्रा पे ले जा सकते हैं, इसीलिए जो है इतनी सारी संपत्ति के साथ उनको रख करके दफनाया जाता था। किंग टट वॉज लैविस्ड, किंग टट जो था वो लैविस्ड लदा हुआ था विद ग्लिटरिंग गुड्स, कह रहे चमकती हुई वस्तुओं से, ग्लिटरिंग मीन्स चमकती हुई, प्रीसियस कॉलर्स कह रहे कि मूल्यवान कॉलर्स, पट्टे के साथ पट्टा लगा हुआ था, इनलेड नेकलेस कह रहे जड़े हुए नेकलेस, हार थे एंड ब्रेसलेट और कंगन, यहां जड़े हुए मतलब नगीने जड़े हुए, इनलेट में जड़ा हुआ होता अर्थात नगीने जड़े हुए हार और कंगन थे, ब्रेसलेट थे, रिंग्स अंगूठी थी, एमुलेट्स, एमुलेट्स मीन्स, एमुलेट्स मीन्स होता है रक्षा यंत्र अर्थात ताबीज, ताबीज से, अ सेरेमोनियल एप्रोन और एक पारंपरिक अंगोछे से, क्रैश सैंडल्स हैं, सीथ स्पारिस फिंगर्स, सीथ मीन्स होता है खोल या आवरण होता है ना, कराया और उसकी उंगलियों के लिए आवरण थे, एंड टोस मतलब फिंगर मैंने हाथ की उंगलियां और टू मैंने पैरों की उंगली, इसके लिए आवरण थे, एंड द नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और एक आइकोनिक इनर कॉफिन, और एक जो है आंतरिक मूर्ति रूपक कॉफिन था, एंड मास्क और मुखौटा था, मास्क मीन्स मुखौटा, आइकोनिक मतलब मूर्ति रूपक, यहां जो लिखा है आइकोनिक इनर कॉफी मतलब एक मूर्ति रूपक कॉफिन और मुखौटा था, मतलब जो कॉफिन बना हुआ था उसके सबसे ऊपरी भाग पर एक मूर्ति बनाई गई थी और एक मुखौटा लगा हुआ था, इसलिए यहां पे कह रहा है कि ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, वे सभी सोने के होते थे, ये सारी चीज जो थी सभी सोने की। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोर्मेंट्स, सेपरेट में अलग करना, टट को जो है उसके एडोर्नमेंट्स मतलब उसके गहनों से या उसकी सजावट से अलग करने के लिए कार्टर्समैन रिमूव द मम्मीज हेड, कार्टर के आदमियों ने क्या किया कि मम्मी करा कि रिमूव द मम्मीज हेड, करा उस मम्मी मतलब उस डेड बॉडी की हेड को, सिर को निकाला, उसका हटाया, एंड सीवर्ड नियरली एवरी पार्ट मेजर ज्वाइंट, और क्या किया और सीवर्ड और अलग किया, नियरली लगभग एवरी मेजर ज्वाइंट, प्रत्येक मुख्य ज्वाइंट को, प्रत्येक मुख्य जोड़ो को अलग किया। उसके बाद कह रहे हैं कि वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, तो उन्होंने क्या किया रीअसेंबल्ड, वह उन्होंने पुनः जोड़ा द रिमेन्स अवशेषों को ऑन ए लेयर ऑफ सैंड, कह रहे कि रेत की एक परत पर, इन ए वुडन बॉक्स एक लकड़ी के बॉक्स में, मतलब एक लकड़ी के बॉक्स में एक रेत की परत बिछाई गई थी, उसे उन्होंने उनके अवशेषों को जो काट कर अलग किया गया तो उनको पुनः जोड़ा विथ पैडिंग, करा कि एक गद्दे के साथ जोड़ा, और इस गद्दे ने क्या किया कि दैट कंसील्ड, कंसील मतलब छिपाना, द डैमेज हानि, और इस पैडिंग ने मतलब इस गद्दे ने उस हानि को छिपा दिया, कौन सी हानि, जो उनको हर अंगों को काट के जो अलग किया गया था उसकी हानि को उसने उस पैडिंग ने उस गद्दे ने छिपा दिया। करे द बेड, करा कि अब यह हुआ बिस्तरा हो गया था, वे टट नाउ रेस्ट, जहां पर अब टट आराम करता है, मतलब यह आराम टट के आराम करने के लिए बिस्तर हो गया था। तो फ्रेंड्स ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स अब ये इसका जो शेष बचा हुआ पार्ट है हम उसको दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे पूरे लेसन को। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू।